मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमो गणी मंगलम कुंद कुंदा द्यो जैन धर्मो सु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेश भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था ना, जिसमें कि जब माटी को छाना गया, क्योंकि कुम्हार को उसे उसमें से विशुद्धियां दूर करनी थी, है ना। तो वो विशुद्धियां जो है वो थोड़ा सा मान से डिस्टर्ब हो जाती कि हमें क्यों निकाला, हमें क्यों दूर किया, हमें ऐसे क्या कमी थी, हमारा भी तो रंग सेम है, हम भी तो सेम जाति के हैं, है ना। तो वो बहुत सुंदर वर्णन दिखाया गया उनके कॉन्वर्सेशन का, किस तरह उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा दिखाना ही, उनका मान करना ही, उसको फिर माटी समझा रही है कि मान कितनी खराब चीज है। मान के कारण जो जल की जो एग्जाम्पल लिया है ना, जल में हिमखंड जो है मान के कारण अकड़ा रहता है, और जिसके कारण से वो बना, जिस जल के कारण से वो बना, उस जल को ही नीचे धकेलता है। ठीक है, तो इतना मार्मिक वर्णन था कि इतना मान हमारा क्या बिगाड़ कर देता है। हम अपने से बेटर किसी को नहीं समझते फिर, राइट। जो तारने वाला है और जो तैरने वाला है, राइट, नाव जो दूसरी तरफ ले जा सकती है, उस तक को हमारे मान के कारण डूबना पड़ता है। या ये कहिए कि हमारे मान के कारण हम मानी होकर भूल जाते हैं कि कौन हमारी हेल्प कर रहा है, या हम अगर किसी के काम आ सके और थोड़ा झुककर अगर हम उसकी हेल्प कर सकें तो क्या प्रॉब्लम है ना। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे मान के कारण कोई दूसरा तकलीफ में आ जाए, ठीक है ना। तो मानी व्यक्ति इस बात की भी परवाह नहीं करता कि कोई किसी का जीवन बचता है हमारे कुछ हेल्प करने से, थोड़ी सी एम्पैथी कंपैशन दिखाने से, तो वो उस चीज से भी पीछे नहीं हटता। उसको लगता है कि अरे उसका कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैंने अपने आप को खुद से खड़ा किया है, मेरा मेरे को क्या मतलब है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, है ना। कैसे भी कैसे वो अपने आप में उसका जो ब्रेन है या उसके संस्कार है वो उसको रोक देते हैं अच्छा कुछ करने में, है ना। तो ये मानी का बहुत सुंदर चित्रण दिखाया। यही अंतर है स्वभाव और विभाव में, ऐसा कहा है ना। और जो हिम है, जो ठंडक है, जरूरी नहीं कि हर जगह ठंडा ही दे, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया। तो मानी जो है वो अपने मान को अंदर में दबाकर और बाहर में मुस्कुराता हुआ दिखे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना पूरा अच्छे से हैंडल कर लिया, यू नो। तो मान कभी भी ऊपर आ सकता है, और ये चीज को कंकर जो थे है ना, उन्होंने समझा कि माटी भी दिखावा कर रही है, ठीक है। तो अपनी व्यंग शैली में वो कहते हैं उस माटी को कि भाई तुम अपने आप को, हमें तो तुमने मानी कह दिया, तुम व्हाट इफ यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, व्हाट इफ तुम भी ऐसे ही अंदर से मानी हो लेकिन बाहर से मृदु दिखा रही हो अपने आप। लेकिन जैसे ही उनकी ये वाणी माटी से जाकर टकराती है, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर दिया कि जैसे ही माटी से टकराती है तो वापिस जो एनर्जी होती है जब हम किसी के लिए प्रेषित करते हैं, राइट, तो वो वापिस आती है अपने पास। तो एकदम से कंकरों को रियलाइज हुआ
कि नहीं, हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो जहाँ टकराए थे जाकर, वो माटी वाकई में मृदु है, अंदर तक मृदु है ना? तो उनको वो वाली एहसास, अपनी गलती का एहसास हो गया एकदम से, कि हम बेकार ही इस पर गुस्सा कर रहे हैं, इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? व्यंग तभी करता ना इंसान जब हम दूसरे के अंदर कमी ढूंढना चाहते हैं, राइट? तो उन्होंने क्षमा मांगी कि नहीं, हमसे गलती हो गई, तुम तो मानातीत हो, मान से रहित हो, है ना? तो हमें एक मंत्र दे दो कि हम भी कुछ अच्छा कर जाएं, ठीक है? जब बुद्धि पलटती है तो कोई भी कारण बन सकता है। यहाँ पर माटी उन कंकरों के परिवर्तन में कारण बन गई। अगर ये माटी मान कर जाती तो क्या वो कारण बनती? फिर तो कंकरों को लगता कि हम हमारे में और इसमें क्या फर्क है कि नहीं है? उसकी मृदुता बने रहना, उसके जो अपन कहते हैं ना कि जो क्षमा गुण है, वो कहीं से लाना नहीं पड़ता, होता है। ऐसे ही मृदुता रुचिता जो है हमारे अंदर ही है, सीधापन सरलता, ठीक है ना? तो हम अगर मानातीत होंगे तो हम सामने वाले को भी परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे अंदर क्वालिटीज होंगी तो हम दूसरे को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को चेंज मत करो, खुद चेंज हो जाओ। खुद चेंज होंगे तो सामने वाला अपने आप चेंज होगा ही होगा। तो अब कंकर माटी की संगति में चेंज हो गए, क्षमा भी मांगी उन्होंने, और साथ ही साथ अपने कल्याण के लिए माटी से बोलते हैं तो एक मंत्र दे दो। मंत्र मतलब ऐसा मंत्र नहीं कि चैंट कर ले, कि हम क्या करें जिससे हम भी हरे बन जाएं, हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कंचन मतलब स्वर्ण, है ना? स्वर्ण जो होता है खरा, एकदम सॉलिड, स्वच्छ होता है, उसको फिर कितना भी मिट्टी में डाल दें वो सोना ही रहता है। एक बार सोने में से विशुद्धियां दूर हो जाए ना, तो वो अब अशुद्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कंचन का एग्जाम्पल लिया, एक बार स्वर्ण शुद्ध हो जाए, पहले जब निकलता है पाषाण तो वो पत्थर जैसा दिखता है, हमें वो ऐसा नहीं दिखेगा कि गोल्डन कुछ चमकता हुआ सा है, ऐसा नहीं रहता, कि छोटे छोटे कण होते हैं उसी में ही, उस पत्थर में मिट्टी के साथ मिले हुए, मिट्टी में ही स्वर्ण के कण होते हैं, तो वो दिखने में पत्थर का डला दिखाई देगा। या अगर किसी नदी में मिलते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था, तो नदी में बहते हुए पानी में गोल्ड के कण दिखने लगे थे, है ना? तो फिर उसको मिट्टी से अलग किया जाता है, पकाया जाता है जो भी करके, और उसको खरा बनाया जाता है। एक बार खरा बनने के बाद अब वो विशुद्ध अशुद्ध नहीं होता। तो कंकर भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे अंदर मान है, हमारे अंदर कमी है, हम छू कर भी, संगति मिलने पर भी उनके जैसे नहीं हो पा रहे, ठीक है ना? तो ये रियलाइजेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, कि हम ये पहले रियलाइज करें कि हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, ठीक है ना? तभी अपन मंदिर जाते हैं, ठीक है ना? जब हम भगवान के सामने खड़े हों तो हमें अपनी अशुद्धियां और भगवान के गुण दिखाई दे जाएं, तो समझिए कि हम अपने को विशुद्ध बनाने में वर्क कर सकते हैं, और उसमें वह मूर्ति कारण बनती है ना? क्योंकि वो हमें भगवान के गुणों की याद दिला रही, जैसे इस समय कंकर माटी से कह रहे हैं ना, ऐसे ही हम भी जिनेंद्र देव से इस बात की अर्चना कर सकते हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है, कुछ मार्गदर्शन दो, ठीक है ना? कि हम भी आपके जैसे विशुद्ध बन जाएं, अपनी अशुद्धियों को दूर करके, फिर हमें भी कभी इस जन्म मरण में नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन हम एक्सेप्ट तो करें कि हाँ, हम जन्म मरण कर रहे हैं, हम कषायों में घिरे हैं, लालच में घिरे हैं, है ना? मतलब जो ब्रेन है ना अपना, संस्कार कह लीजिए, ब्रेन तो नहीं, संस्कार, वो इतने ज्यादा हमारे संसार में भटकाने वाले हैं कि हमारा इवन पूजा तक में मन नहीं लगता। बहुत जल्दी
मन चंचल हो जाता है अगर लेट से कोई पर्सन घर पर कोई चीज भूल आया, लेट से अलमारी खुली छोड़ दी, लॉक नहीं किया, तो पूजा में उस दिन मन नहीं लगेगा। पूरा टाइम यही लगता रहेगा कि कुछ हो ना जाए, है ना। और एक लाइव एग्जाम्पल आता है, लाइव एग्जाम्पल मतलब अभी नहीं है वो, जो गणेश प्रसाद वर्णी जी की मदर रही चिरौंजा बाई, है ना, धर्म माती हूँ उनकी। तो वो यात्रा के लिए गई, शिखर जी की यात्रा के लिए, और पीछे से उनके चोरी चोर आ गए, है ना। जब ये पता चला गणेश प्रसाद जी को कि चोर आ गए ऐसे, और मतलब कुछ कुछ सामान उन्होंने पलट 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 दिया, कुछ ले भी जा सकते हैं, हो सकता है कुछ ले गए हो, तो उन्होंने तार भेजा, टेलीग्राम, ठीक है ना, फोन तो नहीं थे उस टाइम, टेलीग्राम भेजा कि ऐसे घर में चोर घुस गए और पूरा घर बिगाड़ दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अभी तो मैं यात्रा पर आई हूं, जो उन्हें करना है करें, ठीक है। और चांस की बात, जब वो घर पहुंची तो घर से कुछ भी कीमती वस्तु वो लेके नहीं गए। क्या उनके दिमाग में आई होगी, चोरों के दिमाग में उनकी सारी ज्वेलरी सारा पैसा वहीं की वहीं रखा था, समझ रहे हैं। तो इस तरह की भक्ति आज के टाइम में शायद ही हम कर पाते होंगे। हम इमिडिएटली, हम जैसे होते तो इमिडिएटली सारी यात्रा छोड़कर घर की तरफ भागते, राइट। आज के टाइम में अपन मंदिर में पूजा में बैठे हैं और ऐसी कोई खबर घर से आ जाए तो हमें लगेगा अभी के अभी घर पहुंचो, ठीक है ना। तो ऐसा है, मतलब ठीक है, माना कोई कह दे हमें नहीं इतना, हम नहीं ऐसा करने वाले, लेकिन मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि एक बार बेटी का घर से फोन आ गया, आई वॉज डूइंग पूजा, एंड उसका कुछ फोन आ गया था कि मतलब तबीयत खराब से रिलेटेड, एंड आई इमिडिएटली रैन, यू नो, घर से मंदिर से पूजा को मैंने क्षमा मांगी, नमोकार मंत्र पढ़ा, कायत सर किया और निकल गए, यू नो। तो ये हम लोग की अवस्था है, हम कहाँ जा रहे हैं वो हम देख सकते हैं, मतलब पता नहीं कितने जन्म हमें अभी और लगेंगे इसी तरह से अपने संस्कारों को तोड़ने। संस्कार ही है ये, जब टूट जाए तो टूट जाए, कम से कम नहीं तो 7-8 भव तो हमें चाहिए ही चाहिए इन संस्कारों को तोड़ने के, ठीक है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं यहाँ पर यही कहना चाह रही थी कि अभी मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि मतलब जैसे आपने चिरौंजा देवी जी का जो एग्जाम्पल दिया, तो मतलब वही है कि हमको सिर्फ श्रद्धान रखना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा और अपना तप या अपनी पूजा और या करते रहें या अवेयर रहें कि नहीं अभी हमारे मतलब ठीक है, हम पूजा भी कर रहे हैं और कर लेंगे और हम उस चीज जैसे आप वापस लौट के आए, बच्ची को ज्यादा जरूरत है आपकी, तो मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हम उसको डिसाइड करें कि हमें जाना ही चाहिए और हम पूजा बाद में कर लेंगे क्योंकि तब हम ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा के कर पाएंगे। राइट राइट। तो इसमें क्या है, देखो एक कवि भी हार बोल को सकता मानते हुए या उसको मानते हुए नहीं हम करते रहे अपनी पूजा या आ जाए। है, देखो वही बात करते ना, ये तो एक ओपन टाइप का डिस्कशन हो जाता है इसमें, कि एक कवि हुए ना धनंजय, शायद कवि धनंजय, जिन्होंने विशापहार स्तोत्र लिखा, उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और वो उस समय भक्ति में लगे थे। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, और पत्नी ने, सेठानी ने वो बच्चे की जो बॉडी थी वहां लाके रख दी जिसपे सर्प का जहर चढ़ चुका था, ठीक है। और वो अपनी भक्ति में इतने लीन रहे, उन्होंने विशापहार स्तोत्र उस टाइम क्रिएट कर दिया, और जैसे जैसे वो क्रिएट हो रहा था उस बच्चे का जहर उतर गया। तो इस तरह के चमत्कार उसी जगहों पर होते हैं जहां हमारी प्रायोरिटी भक्ति में होती है। भक्ति में क्यों, तो भक्ति अच्छा भक्ति और कुछ नहीं, हमारी अपनी पहचान है, ठीक है, हम अपने से जुड़े हैं, बाकी सब तो अनित्य है, ठीक है ना। अगर इतना डीपली हम जुड़ते हैं तो जो हमारा व्यवहारिक रूप है ना, हमारी व्यवहारिक सिचुएशंस हैं, वो अपने आप हैंडल हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए,
ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया चिरौंजा बाई का या कवि धनंजय का, बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत निष्प्रहता संसार से रहती इसके अलावा एक एग्जाम्पल कवि बनारसीदास जी का ऐसा है कि है। वो उनके घर पे चोरी करने आया कोई, तो जी उसने गठरी में सारा सामान बांध के वो जो उठाना चाहता था तो इतना वजन हो गया उठा नहीं पा रहा था। तो दिया, हाँ बनारसीदास जी वहीं अपने घर पे थे, तो उन्होंने उसकी हेल्प करके उसको सिर पर रखवा दिया। बहुत फिर जब सुंदर। वो चोर घर पे गया तो उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ से तुम करके लेके आयो। कहता कमाल हो गया, आज तो मैं जहाँ किया था गया था वहां पे, उसके मालिक ने मेरे को मतलब उठा नहीं पा रहा था, उन्होंने मेरे को सिर पर रखा। तो अरे उन्होंने कहा तब तो जरूर वो बनारसदास जी होंगे, तुम बिल्कुल जाओ उसको वापिस दे के आओ। तो ऐसे सही, भी थे। बिल्कुल सही है। यही चीज है कि हम, ये तो एग्जाम्पल आ गया जहाँ पूजा नहीं इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन हमारी सरलता हमारा नुकसान नहीं होने देती, ठीक है ना। हम अपने कर्मों पर विश्वास रखें, चोरी भी तभी होगी या बच्चे को कोई कष्ट भी तभी होगा जब हमारे किसी असातावेदनीय कर्म का उदय होगा। तो लेकिन हम जिस अवस्था में अभी हैं, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तभी हमारी भक्ति चमत्कार नहीं करती, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें मुझसे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम अभी हमने जिस चीज को प्रायोरिटी दी है उसको टेक केयर करें, ठीक है ना, और धीरे धीरे समझें। और एटलीस्ट जब हमारी ये प्रायोरिटीज खत्म होने लगे, जिम्मेदारियां खत्म होने लगे, तब हम एटलीस्ट दूसरी तरफ अपने आप को इन्वॉल्व इंडल्ज करें और उसमें कम से कम डिस्टरबेंस आने दें। मेक सेंस नंदा जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों आपने भी बहुत अच्छा बताया कि सरलता अपने मन में हो तो और वही कर्मों का होता है भी कम हो जाएगा, वो हमारी भक्ति में ही ध्यान लगाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। कुसुम आंटी, आपने हाथ रेस किया? हाँ, मैं बताती थी कि मैं जब इंडिया में थी ना, तो मैं वहां रहती थी, वहां एक लड़का 5th फ्लोर से नीचे गिर गया और उसकी मम्मी उस टाइम पे सामयिक में बैठी थी। तो उसने सामयिक पूरा नहीं पूरा करके बाद में ही उठी, नहीं उठी वो, क्योंकि जो करना है वो भगवान करेंगे, डॉक्टर करेंगे, मैं क्या कर सकती। वाह, तो वो बच्चा आप बिलीव नहीं करेंगे, 5th फ्लोर से पड़ा हुआ बच्चा, वो नीचे एक वो अच्छा क्या होता है वो कचरा डालने वाला वो हाँ होता है हाँ ना, ट्रक उसके खड़ा ऊपर होगा, गिरा और उसको तो टच करके नीचे गिरा तो उतना नहीं लगा और उसको कुछ भी नहीं हुआ। बाप रे। यही बस, ये जीता जागता एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताइए, बहुत बढ़िया, आपने थैंक यू जब शेयर अभी भी है जिसको किया। श्रद्धा है उसका अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता वाह, अभी भी हो सकता है। हम ये जो मान रहे है। हैं कि ऐसे रेयर केसेस हैं, नहीं, मैंने अपनी आंखों से उनका। देखा है तो। थैंक यू फॉर शेयरिंग, इट रियली हेल्प्स। निधि जी, आपने हाथ रेस किया? हाँ चारू जी, मैं भी एक चीज शेयर करना चाह रही थी। मेरे खुद पापा को मेरे एक साइट का 5-6 साल हो गई इस बात को, पूरा एक साइट का काम करना बंद कर दिया था पोर्शन बॉडी का। जी लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सही हुआ तो उनका एक लेफ्ट आई का रोशनी चला गया था बिल्कुल उस टाइम, मतलब उस टाइम क्या बिल्कुल ही चला गया था, बाद में भी दिखाई नहीं देता था। तो किसी ने, महाराज ने नहीं, किसी ने बोला था कि आप भक्तांबर का पाठ करो और डेली शांति धारा करने के बाद आंख में 2 ड्रॉप उसकी डालो। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि लाइफ टाइम आंख की रोशनी वापस आ ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं आ सकती। लेकिन वो भक्तांबर से और शांति धारा से उनका आंख का रोशनी वापस आया। और पता भी कैसे चला, जब शांति धारा कर रहे थे 5-6 महीने बाद, जैसे जो चश्मा लगाते थे वो पता नहीं कैसे गिरा, टूट गया, तो डॉक्टर ने बनाने की मना कर दिया। उन्होंने बोला पहले आई टेस्ट कराओ जब बनाएंगे, और बनाया तो उसमें पता चला कि आँख की रोशनी वापस आ चुकी है, अब जरूरत नहीं है। तो बाप रे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर। भक्ति में चमत्कार तो है। भक्ति में है लेकिन निष्काम भक्ति और श्रद्धान के साथ जो भक्ति हो, डाउट के साथ नहीं। पता नहीं होगा तो नहीं होगा, करूं इतनी मेहनत भी करूं, रिजल्ट मिले ना मिले, ऐसे नहीं, है ना। हाँ, राइट। बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आगे चले, क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती। ठीक है, अब माटी तो बहुत ही मृदु थी, कोई मान ही नहीं था उसके अंदर, है ना, तो मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर, जैसे अपने खुद के आचार्य श्री के मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी कि कोई उन्हें कुछ भी कह दे, उनके अंदर मान का लेश भी नहीं था, हमेशा मुस्कान। तो कंकरों की प्रार्थना सुन माटी की मुस्कान मुखरित होती कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है, स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। बहुत सुंदर चयन है शब्दों का। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तपकी आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा, खरा स्वयं शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। और आशीष की से के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा उदार संतरा। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। तो उन्होंने मंत्र मांगा माटी से, तो माटी क्या कह रही है कि अपने आप को हीरा बनाना है तो राह पर चलना होगा, किसकी राह पर, संयम की राह पर, यानी राही बनना होगा। कौन से मार्ग का, संयम के मार्ग का, जैसे अपन कह रहे थे ना कि अपना कल्याण करना है, हीरा भी क्या है, विशुद्ध अवस्था, शुद्ध एकदम शुद्ध होता है हीरा भी, है ना, शुद्ध खरा कंचन बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी संयम की राह पर चलना होगा, राही ही हीरा बन सकता है। ठीक है, और वह संयम ऐसा कि क्योंकि हम में विशुद्धियां हैं, ठीक है ना, अभी माटी को भी ऐसा नहीं मानिए कि बस उठाया और कलश बन गई, राइट, माटी को अभी पैरों से कुछ मतलब वो दबाया जाएगा, उसको रौंदा जाएगा, फिर उसको पहले हमने देखा था कुदाली की मार भी पड़ी थी, फिर इसको अग्नि में तपाया भी जाएगा, है ना, लेकिन माटी हर चीज के लिए रेडी है क्योंकि उसकी दृष्टि सिर्फ अपने कल्याण पे है, तो वो सलाह भी वैसे ही देगी, है ना, कि मैं शुद्ध कैसे बनूं, तो संयम के राह का राही बनना होगा, इतना कठोर कि तन और मन को बाहर से भी और भीतर से भी तपना होगा, है ना। हम जो हमारे आचार्यों ने हमें 12 तप बताए हैं, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य, राइट, तो तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, ठीक, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी, खरा मतलब शुद्ध, ठीक है, तो शुद्ध कैसे होगा, जब हम अपने आप को तपाएंगे जलाएंगे, अग्नि कैसी अग्नि में, ध्यान की अग्नि में, ठीक है ना, घोर तपस्या करनी होगी, घोर, क्योंकि अपन जितने भी पुराण पढ़ते हैं बहुत बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं, जो बाहुबली जी थे, 1 वर्ष की तपस्या करी, है ना, 1 वर्ष भी बहुत होता है, ऋषभदेव जी थे 1 साल तक तपस्या करी, है ना, तो हर आत्मा के कर्म का बैलेंस कितना है उसके बेसिस पर, लेकिन तपस्या सबको करनी पड़ी, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति क्यों ना हो, है ना, उन्हें भी तपस्या करनी पड़ी, साधारण जो इस रास्ते पर चलते हैं उनकी तो बात ही क्या है, तो तप से डरना नहीं, अगर हमें अपने आप को हीरा बनाना है, खरा बनाना है, तो फिर तपस्या से नहीं डरना, कि यहाँ पर उस चीज की बात बताई जा रही है कि राख होकर ही खरा बना जा सकता है, अपने अंदर की अशुद्धियों को जलाना होगा, अपने कषायों को खत्म करना होगा, तब जाके हम खरा बन पाएंगे। रोशे हाथ रेस किया, दीदी, ये लाइन जो है, यत्न घोर करना होगा, इसका मतलब यत्न बहुत करने पड़ेंगे, है हाँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि घोर यत्न करने होंगे, घोर मतलब बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि अनंत काल के कर्म हमारे साथ बंधे हैं,
तो घोर यत्न करने होंगे, आंतरिक भी और बाह्य भी, तब जाके कहीं। ये इतने समय बाद जाके उनने बहुत क्लियर रूप में कहा कि चेतन आत्मा खरा उतरेगा। हाँ अभी तक नहीं तो वो चिंतन चिंतन चल रहा था, हाँ माटी का, तभी कंकड़ समझना का। पड़ रहा था। हाँ हाँ, अभी उनने बहुत क्लियर आत्मा की बात डायरेक्ट बता करी। दिया कि तन को मन को तप की आग में तपा तपा कर, है ना। तप की आग क्या है बेसिकली, अल्टीमेटली तो ध्यान अग्नि में ही अपने कर्मों को जलाया जाता है ना। उनको जलाकर ही हम खड़े हो पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्मों को जलाकर चेतन आत्मा को खरा बनाने की बात की जा रही है। तो ये बात कौन कह रहा है, माटी कह रही है, उसने अपनी ब्लेसिंग दे दी, ठीक है ना। तो कंकरों का काम अब डन हो गया, उनका रोल यहाँ पर खत्म। अब आगे चलते हैं, अब अगला सीन कह लीजिए स्टार्ट होगा। आज माटी को बस फुलाना है, पात्र से परंतु अनुपात से, उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, और उन कणों में क्षण क्षणों में नव नूतन पन पन बस बुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर जो रह गई बताने से, वो ये है कि हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें अचानक से तप करने में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन संस्कारों से आ रहे हैं, राइट, अभी जैसे हमें मैंने बताया कि इवन पूजा तक में मन नहीं लगता अपना, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा जो धर्म है, वो धर्म भी वास्तविक धर्म पहले अपनाना सीखें। हमारा धर्म ही वास्तविक नहीं रहता, अपन मंदिर भी जाते हैं तो बस काम निपटा के आने की तरह से, कि भाई करना है इसलिए जा रहे हैं। या कुछ भारत में स्पेशली देखने में आता है कि कुछ लेडीज हैं जैसे, या घर के लोग हैं, काम से बचने के लिए मंदिर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है काफी, बहुत ज्यादा। मतलब आई एम श्योर कि पुरानी लेडीज जब बस जा रहे हैं काम, मतलब मंदिर क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता, क्या करते हैं वहां पर, पूजा करके आए, पूजा में क्या किया, एक द्रव से दूसरी द्रव किस लिए चढ़ाई, द्रव नहीं पता, तो कौन सी पूजा करी, चार पूजा करने का नियम था तो कर ली। तो इस तरह से जो है एक रटी रटाई प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो वो उसको धर्म नहीं कहा, कहीं से भी नहीं कहा। तो इस तरह के धर्म से हमें बचना चाहिए। भावों के साथ पूजा करना ये बहुत बहुत जरूरी है, अगर हमारा फोकस कल्याण का है तो। अगर हमारा फोकस सिर्फ पुण्य कमाने का है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य तो उसमें मिलेगा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्म बंधते हैं, क्षेत्र अच्छा है ना, तो हमें अच्छा पुण्य तो मिल जाएगा। लेकिन क्या वो पुण्य काम आएगा, वो पुण्य हमारा उतना भला नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात को सीखें, हीरा बनने के लिए, है ना, हमें पता होना चाहिए इन अशुद्धियों के बारे में। वो अशुद्धियां दूर हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या अशुद्धियां, किसे कहते हैं अशुद्धियां, भगवान क्या है, भगवान क्यों शुद्ध है ना। तो इस तरह के क्यूरोसिटी के साथ मन ऐसा होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे। मेक सेंस, ठीक। तो अब माटी को फुलाने की बात चली है, मतलब माटी को फुलाना क्या, एक पहले तो छान दिया है ना, सॉफ्ट बिल्कुल इकसार माटी अलग कर ली कुंभकार ने। अब उस माटी को फुलाना है, फुलाना मतलब भिगाना, कई जगहों पर फुलाना वर्ड यूज करते हैं भिगने को। जैसे हम कह देते हैं ना कि आटा गूंद कर रखते हैं तो कह देते हैं आटे को फुलाने रखा है, तो वो क्या है बेसिकली, भीगाने रखा है ऐसा। या दाल को रखा है तो फुलाने के लिए रखा है, जबकि कई कई जगहों पर वर्ड भीगाना भी यूज करते हैं, भीगाना। तो बेसिकली माटी को अब भीगाना है, फुलाना है, ठीक है। और पात्र से मतलब सही तरीके से परंतु अनुपात से,
कितना जल मिलाना है, क्योंकि घड़ा बनने के लिए जिस तरह की माटी चाहिए उतना ही पानी उसमें मिलाया जाए। ऐसा नहीं कि पानी बहुत सारा डाल दिया तो बिल्कुल पतला, तो उसको चाक पे क्या चढ़ाएंगे, है ना। जो आटा गूंदना जानते हैं उनको पता होगा कि रोटी बनाने के लिए किस तरह का आटा गूंदा जाता है। बहुत पतला करते हैं तो हम रोटी नहीं बना सकते, बेल नहीं पाएंगे उसे, है ना। तो हम सब भी क्या है, एक तरह के शिल्पी हैं, जो जानते हैं ना बनाना रोटी या कुछ भी, है ना। सब तरह हर एक चीज में अनुपात चाहिए, रेशो चाहिए, क्या डालना है, नमक डालना है तो कितना डालना, राइट। हर एक चीज की एक रेसिपी है, तो ऐसे ही कुंभकार की भी बनाने की एक रेसिपी है। और उसमें आज माटी को बस फुलाना है, क्या करके, जल डालकर, है ना, क्या कहा यहाँ पर, जल मिलाकर उसे घुलाना है। तो हम अगर इसे माटी की जगह हम अपने को रखें, है ना, क्योंकि भले ही ये कहानी माटी की है लेकिन उसकी जगह हम हैं, जो अशुद्ध हैं वो हम हैं। हम में से अशुद्धियां दूर होंगी पहले, मोटी मोटी जो पहले अशुद्धियां वो दूर होंगी, फिर हमें तपना होगा अग्नि में, राइट। और उस अग्नि में तपने के से पहले भी कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर अपने को लगाते हैं तो हमें किस तरह के जल में मिलना है, हमें धर्म रूपी जल में घुलना है, हमारे अंदर उन गुणों को क्रिएट करना है, मतलब जागृत करना है ना। जब 10 लक्षण पर्व आते हैं तो वो यही काम करता है, हमें एक तरह से जल में घुलाता है, धर्म में इंडल्ज करता है कि वाकई में धर्म होता क्या है, राइट। 10 लक्षण पर्व में जो हर दिन एक एक दिन के धर्म बताए जाते हैं, वो आत्मा के रियल वास्तविक गुण है एक्चुअली, ठीक है। गुण या स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो 10 लक्षण पर्व में पूजा करने जाते हैं, वो बेसिकली हम किसी के दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं है। ये गुण जो बहुत सुंदर पूजा है 10 लक्षण पर्व की, है ना, उसमें कारण तक बता रखे हैं कि क्रोध से क्या होता है, और क्रोध ना हो क्षमा रखी धारण की जाए तो क्या मिलता है ना। तो इतना भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में धर्म कैसे आ सकता है, हम उसे समझें, ठीक है ना। तो इस बार जब 10 लक्षण पर्व आएंगे तो बहुत मन से उसके मीनिंग्स को समझते हुए, ये नहीं समझना कि हम किसी को दिखाने के लिए 10 दिन जा रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं। वो ही एक टाइम ऐसा है जब हम अपने को सरल बना सकते हैं या फुला सकते हैं। और क्या कहा, प्रोसेस भी बता दिया, क्रमशः है, बहुत ही सुंदर है ये। क्रमशः मतलब क्रम क्रम से, ये क्या करना है, कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है ना। तो जो हम अंदर ही अंदर गांठे बांध लेते हैं, पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। ऐसा नहीं कह रहे आप एकदम से सब कुछ भूल जाओ पुराना, राइट। हम उनको कम करें, अपनी जो बातें हमने मन में किसी के लिए पकड़ रखी हैं, तभी तो क्षमा भाव आएगा ना हमारे अंदर, हम उनको क्षमा करते जाएं, पुरानी बातों को रिलीज करते जाएं, ठीक है ना। और उन कणों में, क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है, आज माटी को बस बुलाना है, ठीक। तो हमें अब, हमने अगर पुरानी बातों को बुलाया तो उसको रिप्लेस किससे करना है, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ, कुछ नयापन लेकर आना है। जो अभी तक करते आ रहे थे, संस्कार से बंधे हुए हम एक मशीन की तरह से जाकर पूजा करके आ जा रहे थे, राइट। और अपने अंदर मान और कर ले रहे थे कि हम तो मंदिर जाकर आए हैं, तुम हमारी यहाँ पूजा करो, हमारी टेक केयर करो,
ठीक है, इस तरह का मान लाने वाली पूजा करना, मंदिर जाना, तो हमारे लिए और डेंजरस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम समझे कि अब हमारे अंदर जो भी कमियां थी, हम उन कमियों को दूर करें, नव नूतनपन, मतलब जो आज तक हमने काम नहीं किए उनको करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ठीक। तो आज माटी को बस फुलाना, बात समझ में आ रही है। हाँ दीदी, बढ़िया। अब जो ये तो अभी उसने सिर्फ सोचा है ना कुंभकार ने कि माटी को मुझे फुलाना है, तो क्या करें, तो उसने क्या कह रहा है, इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार, कर में थी बाल्टी, भंवर कड़ीदार उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है, झट सी वह सुलझती भी पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी, कसी गांठ है वह, खोलना अनिवार्य है उसे, ठीक। तो उसी के उपाश्रम में जिसमें माटी को अच्छा बनाया जा रहा है, वहीं पर उसके प्रांगण में कूप है, उसके यार्ड में है ना, तो कूप पर कुंभकार खड़ा हो गया और उसके हाथ में एक बाल्टी थी, बाल्टी भंवर कड़ीदार, ये कुछ पहले के टाइम में जो जैन तरीके से जहाँ पानी जीवानी की जाती है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि हमारा तो और नॉर्थ साइड से हम, तो कभी इस तरह के इतना अहिंसा तरीके से पानी को कुएं में से निकालना हाँ नहीं। चारू, मैंने देखा है, हमारे यहाँ था कुआ, कुएं जी हाँ। में से निकाल के बाल्टी से, और वो जीवानी उसी में ही डालते थे। हाँ हाँ, जीवानी तो डालेंगे लेकिन भंवर कड़ीदार एक कुछ उस वो बाल्टी। चक्कर क्या है, कैसे होती है ना, बाल्टी को पकड़ने के लिए, हाँ जी बाल्टी को पकड़ने के लिए होती है वो, करेक्ट, रस्सी में फंसा रस्सी, के। हाँ हाँ रस्सी टाइप, नहीं, हाँ तो वो रस्सी साइड में टाइप नहीं, तो नहीं नहीं रस्सी में, गरगड़ी होती है, गरगड़ी, वो गरगड़ी रस्सी होती में और बाल्टी में लगती है वो कड़ी, जैसे आजकल कुंडा सा नहीं डाले करेक्ट। होते थे, तो वो कुंडा लगता है उसको बोल रहे हैं कि हाँ जी रस्सी में और बाल्टी के बीच में लगती थी वो। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वहीं की वहीं नीचे जीवानी को छोड़ा जा सके, ऊपर से नहीं हाँ नीचे से, ये बात हाँ को नीचे अभी से, आगे बताएंगे। इसलिए ऐसी बाल्टी की जरूरत थी, ठीक है, ऐसी बाल्टी लिए कुंभकार खड़ा था, इसको बाद में बताएंगे कि वो ऐसी बाल्टी क्यों पकड़े था, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि उसकी जो बाल्टी जिस रस्सी से बंधी थी है ना, और होता ही है ऊपर में रस्सी लगी रहती है, लेकिन वो रस्सी में गांठ आ गई, ठीक है। अब गांठ आ गई और वो उसे खोलने की कोशिश करता है, उसको नहीं चाहिए कोई भी गांठ, कुंभकार को कोई भी गांठ नहीं चाहिए, तो वो उसे खोलता है, ठीक है। आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का, हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति को लाकर केंद्रित करता है वह, श्वास रुकता है बाहर का बाहर, भीतर का भीतर, ठीक है। तो वो देखता है अरे गांठ आ गई, अब क्या करें, तो वो पूरे अपनी कोशिश लगाता है, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है किसी तरह से इस जोर लगाता है बेसिकली हाथों से, ठीक। और जब वो जोर लगा रहा होता है तो इतना जोर की श्वास भी, कई बार आपने भी नोटिस किया होगा ना, अपनी सांस एक बार को रुक सी जाती है जब हम कोई काम बहुत जोर से करते हैं, ठीक है। तो श्वास रुकता है बाहर का बाहर, भीतर का भीतर, लो कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ, होठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है, त्वचा में उभार सा आ गया पर गांठ खुल नहीं रही, अंगुष्ठों का बल घट गया, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है और नाखून खूनदार हो उठे पर गांठ खुल नहीं रही। तो यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग तो यही रहा कि वो कोशिश कर रहा है और वो नहीं खुल रही है, ठीक है ना, सिंपल सा है तो। और कुंभक प्राणायाम, प्राणायाम जो है जैन आगम के अकॉर्डिंगली सिंपल ब्रेथ का ही प्राणायाम नहीं होता, प्राण 10 प्राणों को बताया, प्राणों को संभालना है ना,
तो 10 प्राण जिसमें कि 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अपने को जब संयम की राह पर चलना बताते हैं, ठीक, उस समय हमें प्राण संयम बताया जाता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों चीजों पर कंट्रोल करना होता है। तो उसी प्राणायाम को यहाँ पर बताया जा रहा है, याद दिलाई जा रही है उसकी, कि प्राणों पर, सिर्फ ब्रीदिंग पर वो तो कुंभकार कर रहा है, लेकिन हमें, जब हम अहिंसा को फॉलो करते हैं, तो हम हर तरह के 100 प्राणों का ध्यान रखते हैं। हम अपने जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, उन पर भी संयम रखते हैं, दैट इज इंद्रिय संयम। और जो हम अपने मन वचन काय बल, उस पर संयम रखते हैं, राइट, तो वह हमारा संयम जो है, वो हमारा बल के रिलेटेड आ जाता है, प्राण संयम। ठीक, तो मन पर, वचन पर और काय पर जो प्राणायाम बताया, प्राणों का आयाम किस रूप में करा जाए, तो मन जो है, हमारा मन किस तरह के विचारों से भरा, हम उसे बुरे विचारों से बचाएं, ये हुआ मन का प्राणायाम। वचन का प्राणायाम हुआ, हम अपने मन को, अपने वचनों को बुरे शब्द ना यूज करें, अच्छे शब्दों का यूज करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है वचन प्राणायाम। ऐसे ही काय को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, देखभाल कर यूज करें, उसका मिस यूज ना करें, है ना। जैसे आज की डेट में बहुत चलता है ना, फन करो, राइट, जबकि मनुष्य भाव जो कि बहुत छोटे समय के लिए मिला है, हमें भले ही लगता है 80-90 साल, लेकिन अपने अनंत काल के आगे ये बहुत क्षणिक है। अब पता नहीं इसके आगे हम कौन सी आयु में, इतनी लंबी आयु में पड़ जाएं, जाकर सारे संस्कार चले जाएंगे यहाँ पर जो सीख रहे हैं, अगर बहुत डेडिकेटेड होकर इसको प्रायोरिटी नहीं दी तो। ठीक है ना, तो हम अपनी काय, मन वचन काय को सही संयम रखें, तो सही डायरेक्शन दे, उसकी वेस्टेज ना करें। ऐसे ही इंद्रियों पर लगाना, अपनी इंद्रियां वेस्ट ना करें। मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसा कैसा भी टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी जाना आना करके रखें, राइट। हम बैलेंस आउट करके एटलीस्ट बुरा कुछ करते हैं तो अच्छा भी करें, इंद्रियों से अच्छा भी देखें, है ना, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, तो ये हमारा इंद्रिय संयम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्राणायाम वर्ड यूज करने का पर्पज यहाँ पर यही हुआ। ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर कुछ याद दिलाया जा रहा और कुछ, है ना। तो जब गांठ पड़ जाती है, गांठ किस चीज की गांठ, हमारे अंदर मान की गांठ पड़ जाती है, कुछ पुरानी बातें याद रह जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, है ना, तो हमें, हम बेसिकली अपने उस प्राणायाम को भूल रहे हैं। तो वो चीज हमें ध्यान रखना समय एक्चुअली हो गया है ना। इसके आगे फिर दांतों का दल आ जाएगा हेल्प करने के लिए, तो अपन उसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या नहीं समझ में आया है तो फील फ्री। बात क्लियर हो गया? मुझे बोलिए प्रियंका। मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हम भारत में थे तो निमित्त तो बहुत मिलते थे कि अपने परिणाम बिगड़े, कोशिश भी करूँ तो भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे शायद हम कम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं या हम उस माहौल से डिटैच्ड हैं शायद, तो हमें निमित्त नहीं मिलते।
ऐसा समझा जा सकता है क्या? जैसे अभी द्रव छेद काल की बात हो रही थी ना, उसी के ऊपर से मेरा मुझे ये प्रश्न उठा कि अच्छी बात है, ये सच सही बात है। सोचना है ये क्या, क्योंकि मैं तो 4 साल पहले ही मूव हुई हूँ, तो हम लोग पहले आते रहते थे, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था स्वाध्याय करने का, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, और जब मैं यहाँ मूव हुई, क्योंकि घर में ही खाना बनाना है सब करना है, तो मेड भी नहीं रख सकते, तो मैं यहाँ खुद से ही कर रही हूँ सब कुछ। इनफैक्ट मैं बर्तन भी छने पानी से ही धोती हूँ, छन्ना उल्टा कर देती हूँ वहीं के वहीं। ये देखिए, तो मेरा मतलब यहाँ पे ये प्रश्न है, अगर द्रव छेद काल भाव का फर्क पड़ता है तो इसको अच्छा माना जाए विदेश में मूव होना कि भारत में ही रहना चाहिए, इसको मतलब किस तरह से अपन समझ सकते हैं? तो जो मेरा, मैं एक बार ये प्रश्न पहले भी आया है, हाँ और हाँ हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं समझिए कि भारत के बाहर या हम द्रव्य क्षेत्र काल बदल कर भावों को बदल लें तो ठीक हो जाएगा क्या। नहीं, हमें देखिए, रियलिटी तो ये है कि जैसी भी परिस्थिति है, हमें अपने समूह का परिणाम रखने हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपके प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा हों और आप उसमें समझ पाए, तो वो आपकी आत्मा के लिए ज्यादा बेटर है, तो बजाय, वो निर्जरा निर्जरा उसको कह सकते हैं हाँ, क्या? उसको निर्जरा कह राइट। सकते हैं, यस, बिल्कुल कह हाँ सकते हैं कि हमने हाँ अपने उस पाप कर्म के उदय को, के प्रभाव को कम करके, है ना, उसको निर्जरित करें, यस। तो इंडिया में रहने से, भारत में रहने से कर्म की निर्जरा के मौके ज्यादा मिलते हैं, निमित्त निमित्त ज्यादा ऐसा। मिलते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। तो अब डिसीजन अपना है कि हम बिल्कुल ही नहीं हैंडल कर पा रहे, तो यस, हर टाइम दुखी होने से और कर्म बांधने से तो अच्छा है कि हम उससे दूर हट जाएं। हाँ हाँ तो मुनि क्षमा सागर महाराज जी भी यही कहते कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि समता रखो, नहीं रख पा हाँ रहे हो तो दूर हट जाओ, हाँ ठीक है ना। लेकिन समता रखने से कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी, आप मतलब वो ऐसा तो इससे बेस्ट सपना। कुछ है ही नहीं, वो तो बेस्ट, एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि निमित्त पे अपन बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हाँ निमित्त ऐसा नहीं है कि बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता, लेकिन जब भी कोई कार्य होगा वहां निमित्त मिलेगा ही, ये मतलब जरूरी है। इसलिए हाँ अपन को ज्यादा फोकस नहीं डालना चाहिए निमित्त पे। निमित्त तो जब काम होगा तो अपने आप ही उस स्वतः ही उस समय उपस्थित होगा 100%, लेकिन जरूरी नहीं है कि निमित्त है तो आपको काम हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ 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 ठीक है। हो गया ना। अच्छा एक और इसी में से, मुझे लग रहा है आप लोग सब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जैसे अब हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें यहाँ रह के, जैसे पाठशाला जाते हैं, प्रमाणिक पाठशाला अटेंड करा ली, हम भारत जाते हैं हर साल, मुनि महाराज जी के पास रहते हैं, लेकिन आप लोग कैसे अपने बच्चों को संस्कारित रख पाते हैं यहाँ रह के? नहीं बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई, मतलब हाँ दैट्स व्हाई। सिंपल यही है कि हम कोशिश करें जो भी पॉसिबल निमित्त हमें यहाँ मिल रहे हैं उसको छोड़े नहीं, अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं यहाँ पर उसको छोड़े नहीं, अपने प्रमाद की वजह से, अपने आलस की वजह से, हाँ ठीक है। ठीक है। तो जितना पुरुषार्थ हम इस डायरेक्शन में, इसकी प्रायोरिटी या इसकी बेनिफिट्स को देखते हुए करें, ठीक है, हो सकता है हमें थोड़ा अपने अलग हटके भी काम करना पड़े, लेकिन अपने को यहाँ पर रहकर और ज्यादा अंदर से जो है धर्म से जुड़ने का मन करता है। हाँ राइट। मैंने देखा चारू जी जो है अपने आप को संभाले रखो, मतलब इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप अपने आप को संभाले रखो, आप अपने आप को धर्म से जोड़े रखो, एक बात तो है, उसका फर्क मैं पड़ता ही है, समझा उसका रही। फर्क पड़ेगा ही। सोचते ही वो जब बच्चे सब देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपको सिखाने से नहीं सीखते हैं, वो देखते हैं ना वो ज्यादा सीखते हैं। हाँ इसलिए बिल्कुल, आप अपने आप को धर्म से जोड़े रखो, आप अपने आप को संभाले रखो। आप खुद ही अगर गलत मतलब तरीके से कर रहे हैं सारे धर्म क्रियाएं, तो वो भी सोचेगा क्या फालतूपन का, जाते रोज मंदिर हैं या आके बस आते गुस्सा करने लग जाते हैं, तो बोलेगा कुछ बेकार है फालतू के, ऐसे ही जाते हैं मंदिर, कोई फायदा नहीं है इनका। एक समझ बात और है, बच्चों के साथ अटैचमेंट ज्यादा रखने का, और उसके फ्रेंड्स कौन है वो भी ध्यान रखने का, और उसको इसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने का, वो बहुत इम्पोर्टेंस है।
जितना हम बच्चे के करीब रहेंगे ना उतना बच्चा अच्छा ज्यादा अच्छा बनेगा। मेरा अपना खुद का है, मेरे थैंक्स शेयरिंग एंड यू बेटे आर के ऑल बेटे के बेटे, अभी मैं फोर्थ राइट राइट। जनरेशन में हूँ, तो बहुत तो सारा मटेरियल हो जाएगा प्रियंका जी। हाँ तो दैट्स हाँ फाइन। हाँ थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट एंड टाइम यू नो। हाँ हाँ नो वरीज। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से ले सकते हैं, डोंट वरी, है ना। हाँ हाँ आप फ्री टू आस्क अगेन, है ना, जो भी बात श्योर करेंगे, श्योर क्योंकि सम हो गया अपना अभी के लिए। हाँ हाँ ओके थैंक चलिए, यू। मानी स्तुति। थैंक यू कुसुम आंटी, आपने अपना शेयर किया। थैंक यू चेतन जी, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। मां बनी सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को।